और ये है हमारा स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ने चढ़ा के ऊपर जाले साफ करे, जाले साफ करके गाना क्यों गा रही है, साफ करने देगी मेरे को। हम गाड़ी लेने को सोच रहे हैं, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है। थोड़े टाइम में सोचोगे आपके पापा की शादी पार करके उस पार कैसे जाओगे अपने पापा की शादी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? और आपको पता ही है कि ईद आने वाली है और मैं कल शॉपिंग भी करके लेके आ गई थी, अपने कपड़े खरीद के लेके आ गई थी जो मैंने ईद पे पहनने हैं। तो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ और फिर ईद के कपड़े आपको ईद पे दिखाऊंगी, अपनी नहीं रिवील करूंगी, ठीक है? सो गाइस, सूरज उठ चुके हैं और ये क्या कर रहे हो? सोनू तुम क्या कर रहे हो? ये क्यों बता रहे हैं व्लॉग में? क्यों? देखो गाइस, ये क्या करते रहते हैं, ये आजकल गाड़ियां ही देखते रहते हैं, ये इनका दिमाग हो गया है खराब। और मुझको नींद नहीं आती गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगा, हम गाड़ी लेने को सोच रहे हैं। तो ये बहुत पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं गाड़ी की। करना चाहिए, लेने से पहले देखना चाहिए भाई क्या है, कैसा ले, क्या देखना चाहिए, इंजन क्या देखना चाहिए। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज है, थोड़े टाइम में हमारे पास आने वाली है गाड़ी। हम गाड़ी लेने वाले हैं गाइस, और ये हम आपको रिवील कर रहे हैं अपना सच। और थोड़े टाइम में आपको सरप्राइज मिल जाएगा कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, देखते हैं। बट अभी हमको तो किसी को चलाना ही नहीं आता गाड़ी, हमने सीखना भी तो है ना, तो हम सीख लेंगे है ना गाड़ी लेके जल्दी जल्दी। आज यार करते फिर सफाई सफाई भी कर लेंगे। सो गाइस, हमने अभी ईद की सफाई भी करनी है क्योंकि घर कोने कोने से साफ होना चाहिए। ईद की सफाई करते हैं जब हम सब, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे सफाई करेंगे। अभी तो मुझको आलस आ रहा है, लेकिन सूरज को मार मार के उठाते हैं हम लोग। सूरज से ही काम कराएंगे सारा, सूरज घर में जाले निकालेंगे, पोछा मारेंगे, निकालेंगे झाड़ू मारेंगे और पोछा मारेंगे, बटन धोएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, चलो थोड़ी सफाई स्टार्ट करते हैं। हमने अपना हथियार चख लिया है और हम पूरे घर की सफाई करेंगे, सारा जाला साफ करेंगे जहाँ जहाँ जाले दिखेगा। और ये है हमारा स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ने चढ़ा के ऊपर जाले साफ करे, जाले साफ करके गाना क्यों गा रही है, साफ करने देगी मेरे को। मैं ब्रेकिंग न्यूज बता रही हूँ ना, इतना खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज। जाले साफ करने के बाद वो अपने पिछों के बल गिर गए। देसी तरीका है साफ करने का, नहीं तो बड़े बड़े घरों में क्या होता है, इतना लंबा डंडा होता है। हाँ। नीचे से ऐसे ऐसे करके एक ही बारी में लगता है। हाँ। देसी तरीका गाइस, हमें इसके लिए स्पाइडरमैन बनना पड़ता है। मेरी दादी के पास ही प्रॉपर जाले साफ करने वाला था, पता तुम? बस उधर से साफ हो गया, इधर आओ ना। तो गाइस हम अब पूरा घर साफ कर देंगे जाले जाले। अरे भाई साहब, घर पे जाले होने का मतलब होता है नाइस लगे रहो। घर पे जाले होने का मतलब होता है कि बोलते जाले अगर घर पे होते तो फिर पैसों की वो हो जाता है, मतलब पैसे उड़ने लगते हैं, ज्यादा खर्च होते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ जाले सारे निकाल दूं कि हमारे पैसे थोड़े कम खर्च हुए। ठीक है गाइस, इस साइड तो हो गया पूरा, बस उस साइड रह गया। सोनू जल्दी जल्दी पूरा साफ करना है घर, जल्दी जल्दी करो काम, इतना लेट करोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा हमारा। चुप। सोनू उसके पास झाड़ू भी लगा देना, ठीक है? फटाफट यही करने तो आया, पति नहीं हूँ मैं, नौकर हूँ मैं, नौकर बना रखा मुझे यहाँ। कितनी रह हो गया वहाँ पे तुम्हारे साथ? मैं बनठन के किसी को जाले साफ करते हुए देखा। हाँ। मुझे ही मैं ही हूँ इतना बंदा खतरनाक जो ऐसे कपड़ों में काम करता है। सो गाइस, जाले तो साफ हो चुके हैं घर के, अब सूरज लगा रहे हैं झाड़ू। और चलो, और मैं थोड़ी देर में खाना बनाना शुरू कर देती हूँ क्योंकि इनको भूख भी लगेगी। मैं काम सारे करता हूँ, बता मैं काम करता हूँ? हाँ, सूरज सच में काम करते हैं, बेशक इतना करें लेकिन करते हैं। देख कितना झूठ बोल रही, इतना कर सारा करते बोल। कोई बात नहीं, चलता है यार कभी कभी। वैसे तो खाना ही बना लेते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं पति जी, बहुत अच्छे हैं, है ना सोनू बाबू? सो गाइस, फाइनली मैंने जितना काम करना था मैंने कर दिया है। अब अर्शी खाना बनाने जा रही है और थोड़ा बहुत काम रह गया जो कि अर्शी करेगी, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ा देर बाहर जाके आ रहा हूँ। सो गाइस, अब हम दो प्रेमी बैंगन वगैरह काटना शुरू कर देते हैं क्योंकि इतना प्यार तुमको, भूख लगी है उनका। और सूरज को बैंगन सच में यार बिल्कुल पसंद नहीं है, सूरज को कुछ भी पसंद नहीं है यार, कुछ भी बनाऊं मैं उनको पसंद पता नहीं क्यों नहीं आता है ना, वो बैंगन खाते हैं ना कोई और सब्जी खाते हैं, पालक पनीर कुछ नहीं यार, ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन बैंगन मेरे को तो बहुत पसंद है सच बताऊं। और हाँ, एक ना कमेंट आया था कि ना मतलब ईद पे खीर नहीं बनाते हैं, शीर बनाते हैं, शीर खोरमा बनाते हैं, जो भी है। मतलब मैं हमेशा चंडीगढ़ में ही रही हूँ और ये जो मतलब थोड़ा यूपी वाला साइड का एरिया होता है ना, यहाँ पे मतलब ज्यादा मुस्लिम्स होते हैं, तो मतलब अलग अलग नाम होते हैं और अपने अपने घर की अलग अलग डिशेज होती हैं उस दिन के लिए। कोई कोई बहुत कुछ बनाता है, दही बड़े, चाट पकौड़े, कुछ भी बनाता है लोग, है ना। लेकिन हमारे घर पे मतलब मैंने बचपन से जो देखा है, हमारे घर पे बनता था खीर बनती थी और हमारे घर पे बनता था दही बड़े बनते थे, जो दाल से मिक्स करके कुछ बनाते हैं उनका, फिर उनको फ्राई करके पानी में डाल देते हैं। सबका अपना तरीका होता है बनाने का, है ना।
कोई खीर बनाता है, कोई सेवियां बनाता है और कोई शीर बनाता है। और मेरी मम्मी है जो वो खीर बनाते थे। सबका अपना अपना वे होता है, इतना पता भी नहीं है उस चीज का। जितना हमें पता है मैं तो उतना बोलती हूँ। और गाइस कमेंट करके बताना कि आप ईद के दिन क्या क्या बनाते हो। कि ड्रेस का वो नहीं बताया, प्राइस नहीं बताया और कैसे लेके आए हो वो नहीं दिखाई। तो अगर मैं अभी दिखा दूंगी तो मैं ईद पे क्या पहन के दिखाऊंगी आपको? आपको तो फिर वो लगेगा कि हाँ हमने तो देखा हुआ है ये वाली चीज, तो वो वाली चीज हो जाएगी। तो इसलिए मैं अभी वो ड्रेस रिवील नहीं कर रही हूँ। मतलब मेरे को पर्सनली वो कलर और वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी है। मतलब सिंपल है और अच्छी है, काफी अच्छी है। पता नहीं आपको कैसी लगेगी बट मेरी ऐसी सी है, थोड़ी सिंपल सी और हल्का फुल्का डिजाइन हो और सुंदर सा हो। और रही प्राइस की बात, उसके से आपको जैसा भी अच्छा लगेगा, हैवी अच्छा हैवी आपको पसंद है आप हैवी ले सकते हो, उसके प्राइस अलग होगा। और नॉर्मल जो लेना है वो नॉर्मल का प्राइस, और उससे थोड़ा सा जो ऊपर होता है मीडियम जो होता है वो थोड़ा अलग प्राइस का मिलेगा। मतलब मिल जाएगा आपको, काफी आपके बजट में मिल जाएगी आपको वो वाली चीजें ना। गाइज आलू बैंगन बन चुके हैं हमारे, और बस इनमें थोड़ा सा पानी है वो हल्का सा सूख जाएगा, तब तक सूरज भी आ जाएंगे और बैंगन को देख के उनका क्या एक्सप्रेशन होता है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। भैया ही पक्का मुंह बनाएंगे जरूर। सो गाइस मुझे काम से थोड़ा बाहर जाना पड़ गया था क्योंकि हमारे सैन दाई की एक्टिवा खराब हो चुकी थी, उनको लेने जा रहा। इन्होंने बहुत तंग किया हुआ यार। क्यों? कभी शिमला पहुंच जाते हैं, अब सिंगल लाइफ है इनकी, कभी शिमला कभी मनाली कभी कहीं। एक्टिवा का जो टायर था ना वो घूम रहा था, तो फिर इसके लिए मैंने बुलाया इनको। क्या कह रहे, देखना इनको। बस इनके लिए अब गाड़ी आने वाली है, उसके बाद फिर ये खुद पहुंच जाएंगे घर। गाइस मेरी एक्टिवा का जो चक्का है पीछे वाला वो घूम रहा है यार। हाँ तो घूमेगा ही वो, बिना घूमे के कैसे चलेगा वो? जब उसको ऐसे पहाड़ी पे चढ़ाएंगे तब तो वो चक्का घूमेगा ना पीछे। हाँ सही बात है, सही बोला। और कुछ तुमने कभी ये वाला मजाक नहीं किया क्या बचपन में? कौन से चला चला अपने दोस्त को, भाई तेरा चक्का घूम रहा है। क्या वो क्या वो एक चल एक क्वेश्चन पूछता हूँ अर्शी। अर्शी एक ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। ठीक है सुनो, एक ध्यान से सुनना। और एक ना दलदल था, ठीक है, वहां पे ना एक पुलिस वाला फंस गया। और वो पुलिस वाला ऐसे बसते 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 बाहर आ गया, उसके बाद उसकी गन पर वहीं रहेगी, कैसे लेगा उस गन को? दलदल में रहेगी। हाँ बिल्कुल बीच में, और दलदल बहुत बड़ा है। क्या है दोबारा, मेरे को सुनाई नहीं दिया तुम्हारा। एक दलदल में पुलिस वाले की गन फंस गई बिल्कुल बीच में आगे जाके एंड में, वो कैसे लेके आएगा उसको? वो तो छोड़ देगा, मैं तो छोड़ देती। तू छोड़ देते ना, बट वो नहीं छोड़ सकता ना क्योंकि उसका काम वाला है वो गन। पता नहीं बिल्कुल, मैं तो हार मान गई। हाँ बताई कुछ। पुलिस वाला फिर से बोल। पुलिस वाला पुलिस वाले की गन दलदल में फंस गई, बिल्कुल बीच में गिर गई, बिल्कुल बीच में, और बहुत बड़ा दलदल है, एक स्टेडियम जितना दलदल है, बहुत बड़ा दलदल है। पुलिस वाले की गन उसमें फंस गई। हाँ, वो कैसे फंस गिर गई? जैसे मर्जी उसका कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो पुलिस वाला तो उसमें रिस्क थोड़ा लेगा जाने में। आप कुछ अपना माइंड ना, आप कुछ कुछ भी नहीं। पुलिस वाले का गन फंस गई दलदल में। हाँ, बहुत बड़े दलदल। हाँ, पुलिस वाले की गन। हाँ, फंस गई। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जो भी सोच रहे वो सब भूल जाओ, बिल्कुल पॉइंट जा रहे भाई। पुलिस वाले की गन कैसे लेके आएगा वो? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं भाई, समझे समझे। ये होता है, मजा नहीं आया क्या? कानून के हाथ लंबे नहीं होते? कानून के हाथ क्या बोलते हैं मुस्लिम के लिए, वो होते लंबे, वो सामान सामान लाने के लिए। वो कानून यहाँ बैठे रहेगा, यहाँ से क्या फिर से निकाल लेगा के लिए नहीं होता वो सब। कानून के हाथ लंबे ही होते, ये नहीं बोलते कि कानून के हाथ मुस्लिम के लिए लंबे नहीं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। मतलब इसलिए कि कोई उससे बच नहीं सकता। नहीं ये नहीं है कि वो गन भी लेके आएगा। एक और बना रखा है कानून, कानून को एक और एक और एक और है तुम्हारे लिए, ठीक है स्पेशल। एक ना एक वो था, बहुत बड़ी नदी थी, ठीक है, उसके उस पार ना आपके पापा की शादी थी। सोचो कि आपके पापा की शादी थी, ठीक है, आपके पापा की शादी थी। तो आप बताओ आप उस नदी को पार करके उस पार कैसे जाओगे अपने पापा की शादी में? मैं इस सवाल का जवाब ही नहीं आ जाती, बताओ मैं कैसे हूँ पागल हूँ मैं, पैदा कैसे हुई होंगी? स्टार्ट करो। तो मैं कह रहा हूँ
पापा की शादी नहीं है तो मैं जाऊंगी कैसे? मैं पैदा कैसे होएंगी? जाऊंगी कैसे मतलब पैदा कैसे होएंगी? सो गाइस आज की वीडियो इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत खतरनाक नींद आ रही है। मेरे आंख देख के आपको पता लग रहा होगा, तुम्हारी आंख 3-4 दिन से ऐसी है। आप बताओ तुम्हें रोज नींद आ रही है? नींद आ रही है भाई, अभी एडिट करना है, अभी ये वीडियो एडिट करना तभी तो आएगी आप लोगों के पास, है ना? सही बात। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। आज बैंगन बने हैं।